हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। हाउ आर यू ऑल गाइस? होप यू आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। सो लास्ट टाइम हमने सेक्शन नंबर 9 किया था, आज हम सेक्शन नंबर 10 करने वाले हैं। प्लीज़ डोंट माइंड माय वॉइस, थोड़ी तबीयत डाउन है अभी आजकल। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, प्लीज़ जो भी आपको कराया जा रहा है, जितने भी मैंने वीडियोज़ डाली हैं, उनको प्लीज़ रेगुलर बेसिस पर रिवाइज कर लीजिएगा। टेक अ गो थ्रू ऑल द सेक्शंस डेली एंड लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 9 में हमने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड के बारे में बात की थी। इसमें हम कॉन्स्पिरेसी से डील करेंगे कि कब एक कॉन्स्पिरेसी एक रिलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी। सी, इस सेक्शन में लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेलिवेंट फैक्ट कि कब हम एक कॉन्स्पिरेसी को एक रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे, उसके अंदर जो जो चीज़ें दे रखी है। बट 120A और 120B जो IPC में है, वो हमारे क्रिमिनल उस पर है, लाइबिलिटी की बात करते हैं कि उसमें हम लाइबल कर रहे हैं कि कौन सा बंदा लाइबल होगा। या हम लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स। सो एक बार हम बेयर एक्ट की रीडिंग लेते हैं। प्लीज़ हैव योर बेयर एक्ट विद यू। तो स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले एक बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं। थिंग्स सेड और डन बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर इज दिस, इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। द पॉइंट हेयर इज, ये कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा है इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो रेफरेंस यूज़ किया गया है। एंड जबकि हम वैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन नंबर 34 में पढ़ा होगा, IPC में, सेक्शन 149 में भी पढ़ा होगा, दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। एंड हेयर द वर्ड इज रिटन इन द रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन। जो रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन वर्ड है ना, ये हमारे इंडियन लॉ में दिया हुआ है। इंडियन लॉ में हम ये वाला वर्ड पढ़ते हैं। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लॉ, तो इंग्लिश लॉ में जो है ना, वो फर्दरेंस वर्ड यूज किया हुआ है। The scope of this section is wider than those provided in English law. See, reference मतलब क्या? किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी एक common intention के और के लिए के प्रति अगर हमने कोई काम किया है तो वो हमारा reference में आ जाएगा। और किसी भी एक prior meeting of minds, see furtherance मतलब क्या है कि आप लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों के कॉमन इंटेंशन है, दे हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन डिज़ाइन, जो भी आप समझ सकते हैं, उसके अगर प्रायर उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हाँ भाई हमें ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, और उसके फर्दर में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फर्दरेंस। लेकिन रेफरेंस में क्या है, रेफरेंस इज़ अ वेरी वाइड स्कोप कि उसके लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं। अभी इसको मैं थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊँगी। एक बार हम बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं ताकि आपको पहले थोड़ा सा बेसिक क्लैरिटी आ जाए सेक्शन के बारे में, और फिर आपको मैं इसका बेसिक डिफरेंस बता दूंगी। तो क्या कह रहा है, द थिंग्स सेड और डन बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। कॉमन डिज़ाइन मीन्स यू हैव एनी कॉमन इंटेंशन। वेयर देर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, द वेरी फर्स्ट लाइन, वेयर देर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। द वर्ड हेयर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव जो है वो कह रहा है, इट्स इटसेल्फ टेलिंग यू। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कोई रीजनेबल फैक्टर्स हैं, ऐसे कोई रीजनेबल ग्राउंड है इस चीज़ को मानने के लिए, कॉन्स्पिरेसी को मानने के लिए, कैसे? बेसिकली आपको एक प्राइमा फेसाई केस आपके सामने है। प्राइमा फेसाई केस आपको दिख रहा है, ठीक है? तो उसके बाद वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन, ऑब्वियसली जब कॉन्स्पिरेसी है तो एटलीस्ट 2 पर्सन तो होंगे ही ना, तो टू और मोर पर्सन्स हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, कॉन्स्पिरेसी करी है किस चीज़ से रिगार्डिंग, टू कमिट एन ऑफेंस, कोई भी एक ऑफेंस कमिट किया है, या और एन एक्शनेबल रॉन्ग। एक्शनेबल रॉन्ग यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिविल केसेस से बात कर रहे हैं, सिविल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, टॉर्ट की बात कर रहे हैं, राइट? सो बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी जस्ट टेल यू
कि अगर एक जनरल रूल हम देखें तो एक व्यक्ति, एक पर्सन जो ऑफेंस कमिट कर रहा है वही लायबल होता है ना अपने एक्ट के। अगर मैंने कोई मर्डर किया है तो उसके लिए आप जिम्मेवार तो नहीं होंगे, अगर मैंने चोरी किया तो उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। दैट इज़ अ जनरल रूल। सिमिलरली अगर हम सिविल केसेस में देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी को डील कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज यू आर सेइंग कि जो एक प्रिंसिपल होता है ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, है ना। प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द एजेंट, एक जनरल रूल है कि अगर एजेंट को कोई हमने अथॉरिटी दे रखी है तो वो जो एक्ट कर रहा है उसके लिए हम भी बाउंड हो जाते हैं, प्रिंसिपल भी बाउंड हो जाता है, तो एक जनरल रूल है। बट जब हम सेक्शन नंबर 10 की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो वो जो है वो जनरल रूल के ऊपर नहीं जाएगा, वो उससे एक डिफरेंट डायरेक्शन लेता है। कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसने एक्ट कमिट किया है वही लायबल होगा, उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी लायबल हो जाएंगे। बेसिकली विकेरियस लायबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। कैसे बात कर रहा है, चलो रीड करते हैं। सो हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सेड डन और रिटन, द थ्री वर्ड्स इंपॉर्टेंट हेयर, एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन और एनीथिंग रिटन बाय एनी ऑफ सच पर्सन्स। कौन से पर्सन्स? जो कि कॉन्स्पिरेसी में है, जिनके बेसिस से, जिनके अगेंस्ट हमें कॉन्स्पिरेसी के ग्राउंड्स लग रहे हैं, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वॉज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। सी वी आर टॉकिंग अबाउट द रेलिवेंट फैक्ट्स हियर। यहाँ पे हम लोग, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज विद द सेक्शन नंबर 120A एंड 120B ऑफ IPC, बिकॉज वहाँ पे हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लाइबल करा रहे हैं, पनिशमेंट की बात कर रहा है वो, यहाँ पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 10 इज़ बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द रेलिवेंसी, कि कौन से फैक्ट हम रेलिवेंट मानेंगे इसमें। एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन्स बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही है, एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी ऑफ द पर्सन वॉज अ पार्टी टू इट। तो बेसिकली क्या कह रहा है, ऊपर ऊपर से रीड किया थोड़ा मोटा मोटा, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्पिरेसी वेयर देयर टू और मोर पीपल, दे हैव सम कॉमन इंटेंशन एंड द एक्ट्स आर डन बाय देम इन द रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। मतलब कि कोई भी कॉमन इंटेंशन के फेवर में, कि उसके लिए कोई भी काम किया जा रहा है। अब जहाँ पे जो लाइन है ना, आफ्टर द टाइम व्हेन सच वाज इंटेंशन वाज एंटरटेन्ड एंड ये सब चीज़ें, तो इसको ना हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल। सो एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन का एग्जाम्पल हम क्रिएट करेंगे। ए बी सी डी ई, दीज आर सम पीपल, ठीक है, एफ ऑल्सो, दीज आर सम पीपल जो कि है। तो क्या होता है, ए जो है ही इज़ अ लीडर, ही इज़ प्लानिंग फॉर अ बॉम्ब ब्लास्ट। वो कहता है कि चलो यार एक ना बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि ए ने कहा कि हमें एक बॉम्ब ब्लास्ट करना है, उसकी एक अंदर उसके दिमाग में ये बात है कि चलिए बॉम्ब ब्लास्ट करना है। व्हाट ही डिड, ही कॉल्स बी, उसने बी को बोला कि यार चलना बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, बी वॉज रेडी कि चलो ठीक है करते हैं। तो ए ने कहा कि यार काम कर, कुछ बंदे को हायर कर जो कि इसके रिगार्डिंग काम कर लेंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं कर लेता हूँ। तो बी ने क्या किया, बी ने सी को हायर किया, डी को हायर किया, ई को हायर किया और एफ को हायर किया, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बी ने सबको किया हो, इट इज़ पॉसिबल कि मान लीजिए बी ने सी और डी को हायर किया, ठीक है। तो ए और बी
में क्या बात हुई, दे कॉन्स्पायर टुगेदर टू हैव अ बॉम्ब ब्लास्ट। तो वो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए बी को बोला, बी ने सी और डी को बोला। सी को बोला कि भाई तू बॉम्ब का सामान लेके आ, इकट्ठा कर। उसने कहा ठीक है। डी को बोला भाई तू मनी का इंतज़ाम कर, पैसा तो चाहिए होगा ना, बिना पैसे के तो होता नहीं होगा। चलिए आए तो बॉम्ब और मनी का उसने बोल दिया। अच्छा, बॉम्ब का कुछ सामान ऐसा था जो दूर से लाना था, तो व्हाट ही डिड, सी ने कहा ए को कि भाई कुछ सामान लाना है तो मुझे वहाँ से पकड़ा दे, वहाँ से जाके ले आ, हम यहाँ पे असेंबल कर लेंगे। ठीक है, ई ने अपने दोस्त एफ को बोल दिया। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज़ रियली नॉट नेसेसरी कि ये सब एक दूसरे को जानते हो। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज़ नॉट नेसेसरी हियर। क्यों? क्योंकि हम लोग एक रेफरेंस की बात कर रहे हैं। रेफरेंस का मतलब ही यही है कि ये सब लोग जो भी एक्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो इस बॉम्ब ब्लास्ट के प्रति हो रहा है। बॉम्ब इकट्ठा कर रहे हैं, उसके पार्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है एक्ट टूवर्ड्स दी बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर मैं आपको फर्दरेंस और रेफरेंस का डिफरेंस समझाना चाहूँ, तो आप ये समझिए कि ए बी सी डी ई एंड एफ ये सारे जो है, ये दोनों, ये सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते। दे आर नॉट नोन टू ईच अदर। जैसे आप देखा होगा ना अपने, आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक रिवोल्ट शुरू होता है, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट शुरू होता है, लोगों को नहीं पसंद आता, लोग रिवोल्ट कर देते हैं, तो उसका बेसिकली एक लीडर होता है, एक मॉब होता है, उसका एक लीडर होता है। तो उस लीडर को तो लोग जानते हैं क्योंकि वो दिख रहा है, फेस अपेरेंट है, ज़रूरी नहीं है उसको भी जानते हो, पर लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो जो लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, बेसिकली दे डोंट नो ईच अदर, वो एक दूसरे से तो नहीं मिले होते ना, बट उनकी कॉमन इंटेंशन क्या होती है कि दे आर लीडिंग द मॉब। ठीक है, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली उसी तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, मान लीजिए मैं हूँ, मैंने बोला भाई तू जाके ना कुछ बंदे इकट्ठे कर, बॉम्ब ब्लास्ट करना है। तुमने कहा ठीक है, तुमने अपने कुछ दोस्तों को बोला जिन लोगों को तुम जानते थे, तुम्हारे दोस्तों ने कुछ और दोस्तों को बोला कि चल यार ये काम काम करना है। अब जो हमारा ये इंटेंशन है बॉम्ब ब्लास्ट करने का, वी हैव कॉन्स्पायर टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस, टू कमिट द बॉम्ब ब्लास्ट, एनीथिंग सेड डन और रिटन। कोई भी चीज़ कही गई है, करी गई है, लिखी गई है, लिखी गई है रिटन कैसे कि मान लीजिए ए को मैंने कहा, बी ने आपको एक लेटर दे दिया कि भाई ये सामान है, ये तो बॉम्ब के लिए इकट्ठा कर ले, वो रिटन पार्ट में आ गया। आपने एक फ्रेंड को फ़ोन करके बोल दिया, वो भी कॉन्वर्सेशन जो आपने कही, बाय एनी ऑफ सच पर्सन्स इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन ऑफ हैविंग द बॉम्ब ब्लास्ट आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वॉज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम मतलब ए के मन में ख्याल आया बॉम्ब ब्लास्ट का, उसने ये बात बी से कही, बी ने कहा कि हाँ आई एम एग्री, चल यार करते। अब ये पहले तो एक इंटेंशन थी ना, तब तक तो ये इसमें कुछ हुआ नहीं था, एक इंटेंशन ही थी उसके पास। जैसे ही उसने बी को ये बात बोली और बी ने इस चीज़ पे एग्री किया, तो बी ने एग्री करके कहा कि हाँ भाई बंदे हाँ हायर कर दो। जैसे ही बी ने इस चीज़ के लिए एग्री किया, उन दोनों की कॉन्स्पिरेसी हो गई, और अब ये जो इसका आइडिया था ये फर्स्ट एंटरटेन हो गया। एंटरटेन मतलब आपने उसे कंसीव कर लिया कि हाँ भाई ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइम उसकी इंटेंशन कंसीव कर ली गई, उस पर एग्री कर लिया गया बाय एनी ऑफ देम, बी ने कर लिया, इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट। वो एक रेलेवेंट फैक्ट है एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन। इसने जो कॉन्स्पिरेसी करी वो हर किसी बंदे के प्रति अब क्या हो जाएगा, अगेंस्ट एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। वो पर्सन बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग इन सब की तरफ कि ये लोग क्या करें, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। और पर्पज़ क्या है कि भाई ये सब एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं एंड दे ऑल आर पार्टी टू इट। ये बेसिक है हमारा सेक्शन नंबर 10 का कॉन्स्पिरेसी का। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ फर्स्ट एंटरटेन हो गई, तो फर्स्ट एंटरटेन होने के बाद अब बी ने सी को कुछ कहा, सी ने डी को कुछ कहा, डी ने कोई काम किया, ई ने कुछ किया, कुछ लिखा, कुछ भी एक्ट अब इनके द्वारा हो रहा है आफ्टर जब बी ने उस चीज़ को
कंसीव कर लिया। उसके बाद जो जो एक्ट हो रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड, बॉम्ब ब्लास्ट के प्रति जो भी काम हो रहा है वो सारे इस सेक्शन में रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही वो कह रहा है कि लाइबल नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ उसको थोड़ा डिफरेंट रख के लेके चलिएगा, अभी हम सिर्फ रेलेवेंट कर रहे हैं। तो वो फैक्ट जो जो हो रहे हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रेलेवेंट हो जाएंगे। जैसे सी ने बॉम्ब ब्लास्ट करा, उसने लेटर लिखा, तो इनके द्वारा कुछ कहा जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, कोई एक्ट किया जा रहा है, तो दे ऑल आर रिलेवेंट फैक्ट इन दिस सेक्शन। बेसिकली ये उस चीज़ की बात कर रहा है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, होप यू आर गेटिंग इट। सी प्लीज़ कुछ अगर ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि कुछ लोग हैं एंड दे आर हैविंग प्लानिंग टू हैव अ बॉम्ब ब्लास्ट। आप लोग अपने दोस्त ले हैं, अपने दोस्तों से कहा यार चलिए यार बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं यार, कुछ करना है ज़िंदगी में, क्या ये ऐसी ज़िंदगी जीनी। तो आपके दोस्त ने कहा चल यार ठीक है करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट। फर्स्ट एंटरटेन तभी हो गई जब आपने अपने दोस्त को ये बात बोली। उसके बाद जो जो काम हो रहे हैं, बॉम्ब हायर हो रहा है, बॉम्ब के पार्ट्स हायर हो रहे हैं, आपने उस बंदे को कॉल किया, आप उसको बोला कि भाई पैसे अरेंज कर, पैसे अरेंज करने के लिए दूसरे बंदे ने दूसरे को बोला कि हाँ भाई ये पार्ट्स नहीं चाहिए, पार्ट्स चाहिए, ये भी ले क्या। तो जो जो एक्ट हो रहे हैं, हर सिंगल एक्ट जो है वो आपका रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा एज अगेंस्ट ईच ऑफ यू। ठीक है, नाउ पॉइंट इज सेट कि मान लीजिए आप लोग तो एक दूसरे को जानते नहीं है, डजेंट मैटर इफ़ यू नो और नॉट। आपने एक मूवी भी देखी होगी, हॉलीडे मूवी ना, जो स्लीपर सेल्स वाली है, उसमें आपने देखा होगा कि आपस में चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, बट दे आर इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, दे आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। तो उनके अलावा उनकी जो है जो भी उनसे एक्ट और वो किया जा रहा है वो सब रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर उनको लेटेस्ट स्टेज पे मान लीजिए ये डी है, डी को क्या है ना, डी को मनी के लिए बोला गया। अब डी को मनी के लिए बोला कि भाई तो पैसे अरेंज कर दे, उसने कर दिए। सी ने कुछ दिनों बाद उसको बताया यार बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही है, ये सामान इकट्ठा हो गया। अब डी को लगा कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पैसे इकट्ठे करे, सब अरेंज कराया और ये दिए, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए थे। अब जैसे उसको ये चीज़ पता चलती है, ये बाकवा कि यार मुझे नहीं करना ये, मैं तो पीछे हट रहा हूँ। अब अगर डी बैक ऑफ कर भी लेता है, ठीक है, उसके बाद भी थोड़े दिनों बाद जब ये बात पता चलेगी कि भाई हाँ भाई डी ने भी पैसे दिए थे, तब भी डी लाइबल होगा। नो मैटर कि भाई उसने पहले ज्वाइन किया था, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, उसका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था, प्री कॉन्सर्ट नहीं था कि भाई मुझे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, पर उसको पता चला, उसने बैक ऑफ कर लिया। बैक ऑफ करने के बाद भी वो लाइबल होगा बिकॉज ही वॉज अ पार्टी टू इट। व्हेन द कॉन्स्पिरेसी वॉज इन ऑपरेशन ही वॉज अ पार्टी टू इट। तो वो इसके रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन में इसका जो है एक्ट माना जाएगा और वो उस रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। गॉट इट? ये आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया अभी, कि बेशक उसको ना पता हो पर उसने बाद में सोचा कि यार अब तो बैक ऑफ कर लेता हूँ, पता चला, तब भी वो लाइबल माना जाएगा उस चीज़ के लिए, मतलब वो उस चीज़ की कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माना जाएगा कि हाँ भाई तूने कॉन्स्पिरेसी करी थी, नो मैटर कि तूने बाद में छोड़ दिया, पर अब तो तू फंस गया यार, अब क्या करेगा। ठीक है, हम भी सिर्फ रिलेवेंसी क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 10। एक बार हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ये वाली, तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। सो इलस्ट्रेशन देखते हैं। रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग, कोई रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, पहली ये लाइन ही पहली यही है सेक्शन की, कि रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है दैट ए हैज़ ज्वाइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी, कि ए ने ज्वाइन किया कॉन्स्पिरेसी टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमारे पास फैक्ट्स क्या है। द फैक्ट्स दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। बी ने आर्म्स प्रोक्योर करे यूरोप में। ठीक है, सी कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता, सी ने कलेक्ट करी मनी
कलकत्ता में. सी यहाँ पे दे आर नॉट क्लोज, वो लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं. कोई बंदा कहीं है, कोई बंदा कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है. डी पर्सुएडेड कलकत्ता फॉर द लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर द वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डी पर्सुएडेड पर्सन्स टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी इन बॉम्बे. अब डी ने कुछ लोगों को पर्सुएड किया कि यार तुम भी हमारे साथ इसमें आ जाओ, जो लोग बॉम्बे में रहते थे. तो डी ने कुछ लोगों को पर्सुएड किया, कहाँ पे किया? बॉम्बे में किया. ई पब्लिश्ड राइटिंग्स, एनीथिंग रेड सेड डन और रिटन, इट इज़ रिटन राइटिंग्स एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन द व्यू एट आगरा. इन्हे पब्लिश किया, ठीक है, आगरा में. एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल द मनी. अब मनी का इधर उधर जाना हो रहा है ना, मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है कि भाई एफ ने जो है मनी ट्रांसमिट करी. कहाँ पे करी? टू जी को करी, काबुल में, ठीक है. विच सी हैड कलेक्टेड एट कलकत्ता, जो कि सी ने कलेक्ट कर ली कलकत्ता में. एंड द कंटेंट्स ऑफ अ लेटर रिटन बाय एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. और जो ये है कंटेंट्स ऑफ द लेटर, एक एच ने लिखा, उस कंटेंट में क्या था? ही वॉज टेलिंग अबाउट द कॉन्स्पिरेसी. आर ईच रेलिवेंट, ये सारे के सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे बोथ टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी. फर्स्ट पॉइंट क्यों रेलिवेंट होंगे? कि प्रूफ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए कि हाँ भाई कि कॉन्स्पिरेसी थी. ऑब्वियसली जब आपको ये सामने आएगा तो आपको यही पता चलेगा ना कि अरे ये तो कॉन्स्पायर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्स्पिरेसी चल रही है. नाउ एंड टू प्रूफ एज कॉम्प्लिसिटी इन इट. सी ए ने यहाँ पे किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है. ए का इन्होंने नहीं बताया कि भाई ए ने क्या किया है, बट ए इसमें इन्वॉल्व है तो ए इसमें कंप्लाई कर रहा है, ये भी पता चलेगा इससे. ऑल दो ही मे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ ऑल ऑफ देम एंड ऑल दो द पर्सन बाय होम दे वर डन वाज स्ट्रेंजर्स टू हिम एंड ऑल दो दे मे हैव टेकन प्लेस बिफोर ही ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट इट. बेसिकली कि एक की उसमें कॉम्प्लिसिटी थी, चाहे उसको इन सब के बारे में पता था या नहीं पता था. ऑल दो द पर्सन बाय होम दे वर डन वाज स्ट्रेंजर्स टू हिम, जिस किसके द्वारा ये किए गए ए को नहीं पता था कि भाई कौन कौन बंदे इस मेलवर, डी क्या कर रहा है, ई क्या कर रहा है, एफ क्या कर रहा है, उसको नहीं अवेयर था, वो नहीं जानता इन लोगों को. एंड दे मे हैव टेकन प्लेस बिफोर ही ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी और आफ्टर ही लेफ्ट इट. अब ए ने चाहे उस कॉन्स्पिरेसी को कंटिन्यू रखा हो, क्या उसने उसमें पार्टिसिपेशन किया हो, नहीं उसमें रेफरेंस में से कुछ काम किया हो या ना किया हो, उनके करने से पहले या उसके करने के बाद, जो जो लोग इस रेफरेंस में इस कॉमन इंटेंशन के प्रति काम कर रहे थे, वो सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट एक रिलेवेंट फैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. द एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय देम इज अ रिलेवेंट फैक्ट अगेंस्ट ईच ऑफ देम. आया समझ में कि कैसे हम एक सिंगल पर्सन के एक्ट को दूसरे के लिए लायबल कर रहे हैं, कैसे हम एक बंदे का लिखा हुआ लेटर सबके अगेंस्ट रेलेवेंट कर रहे हैं. उसके अगेंस्ट तो है ही है कि वो कर रहा है, पर उसके अगेंस्ट भी है जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, ठीक है. अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी जो ये हुई, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई, ठीक है, और इनकी कॉमन इंटेंशन क्या थी? कि बॉम्ब ब्लास्ट करना है. अब ये कॉमन इंटेंशन जो बॉम्ब ब्लास्ट करने की, जब तक ऑपरेशन में रहेगी तब तक ही कॉमन इंटेंशन रहेगी. जैसे ही आपकी कॉमन इंटेंशन सीज होती है तो आपका वो जो पर्पस है रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, वो भी वही सीज हो जाएगा. मान लीजिए आपको अरेस्ट हो गया, आप किसी ने पकड़ लिया आपको, किस काम करने जाते हो, आपका जो मेन जो मोटिव है, जो आपका काम है, कम इंटेंशन है जो आपकी उसके लिए बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, वो तो वहीं रुक गई ना. अब तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी, तो वहाँ तक ही सीमित है ये. उसके बाद वो कॉमन इंटेंशन सीज हो जाएगी तो ये सेक्शन नहीं आएगा. ये सेक्शन तब तक ही अप्लाई होगा जब तक आपकी वो कॉमन इंटेंशन जो है प्रोसीड कर रही है, ठीक है. जो भी आपका काम हो रहा है इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन हो रहा है,
अदरवाइज नहीं हो रहा। ठीक है, आपको रेफरेंस का समझ में आ गया, उसके प्रति कोई भी काम हो रहा है जैसे मैंने बताया। फर्दरेंस में क्या है कि आपको एक नॉलेज है, ठीक है, आपका एक प्री कॉन्सर्ट है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो आपका माना जाएगा कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है। रेफरेंस में इफ़ यू नो, इफ़ यू डोंट नो, इट डजेंट मैटर, पर आपको पता है कि हाँ वो काम कर रहे हो आप, चाहे आपको बाद में पता चले कि यार ये कॉन्स्पिरेसी थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 10 फ्रॉम माई साइड, इट इज़ कम्प्लीट। बाद में हम सेक्शन नंबर 11 करेंगे। इनकेस अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सो दैट इज़ ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।